कोरोना महामारी के चलते जहां पर स्कूल बंद पड़े हैं, वहीं पर अब शिक्षा विभाग बिलासपुर के द्वारा जिला में 5-10 बच्चों वाली संख्या के स्कूलों की लिस्ट शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है। इन स्कूलों की लिस्ट तैयार करके शिक्षा विभाग बिलासपुर ने शिमला निदेशालय को इसकी रिपोर्ट भेजनी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से निदेशालय को प्रपोजल भेजा जाएगा। हरी झंडी मिलने के बाद तुरंत प्रभाव से इन स्कूलों को अन्य स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक बिलासपुर सुदर्शन सिंह ने बताया कि कम बच्चों की संख्या वाले स्कूलों में विभाग को काफी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही यहां पर पर्याप्त अध्यापक व अन्य सुविधा न मिलने के कारण इनका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है, जिसके चलते अब शिक्षा विभाग ने बिलासपुर में कम संख्या वाले स्कूलों की लिस्ट तैयार करना शुरू कर दी है। साथ ही इसकी रिपोर्ट शिमला निदेशालय को भेजी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक बिलासपुर सुदर्शन सिंह ने बताया कि इसी के साथ जिला के जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा अधिक संख्या है, उन स्कूलों को आधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा। इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं सहित पर्याप्त स्टाफ व सारी सुविधाएं एक छत के नीचे दी जाएंगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी असर न पड़े। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों की लिस्ट भी शिमला निदेशालय ने उनसे मांगी है, जिसकी रिपोर्ट भी उन्होंने फील्ड से मंगवाई है और जल्द ही निदेशालय को भेज दी जाएगी। लगभग विभाग ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने की तैयारियां कर ली हैं। जल्द ही निदेशालय की ओर से आदेश जारी होंगे तो इन स्कूलों पर कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा, ताकि कोरोना कार्यकाल के बाद स्कूल खुलने पर बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि अभी जिला में प्राइमरी स्कूलों की संख्या 592 थी, जिनमें 5 स्कूल पहले ही बंद हो चुके हैं और 587 स्कूल अभी चल रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट फील्ड से मंगवाई गई है। जिला बिलासपुर रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्री जो हमारा विभाग है, उसमें तो प्राइमरी स्कूलों की संख्या वर्तमान में है हमारी 592 थी, लेकिन 5 स्कूल हमारे बंद हो चुके हैं, 587 रह चुकी है। और जहाँ तक एनरोलमेंट की बात है, हमारे कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनकी एनरोलमेंट 10 या इससे कम है, तो विभाग से भी हमें आदेश मिले हैं अभी पिछले हफ्ते कि ऐसे स्कूलों की सूची हमें भेजें जिनकी एनरोलमेंट 10 या इससे कम है। हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड से, और जैसे ही वो आएगी हम हाई अथॉरिटी को प्रेषित कर देंगे। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ प्राइमरी स्कूल्स में जिन स्कूलों की एनरोलमेंट 50 या इससे ज़्यादा है, तो उन स्कूलों की सूची भी जो है विभाग ने मंगवाई है। उन स्कूलों को कुछ विशेष जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे पर क्लास टीचर और हर क्लास के लिए क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है सुविधाएँ विभाग द्वारा जो है प्रस्तावित हैं। और जैसे ही ये हमारे सर्वसेवक की सूचना विभाग को पहुँचेगी, आगे ये सरकार तक जाएगी और उसका निर्णय जो है जैसे आएगा हम उसको लागू करेंगे।